आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन को भाजपा महानगर के कार्यकर्ताओं ने लाइव के माध्यम से सुना। भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा बुधवार को गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जटाशंकर स्थित विश्वकर्मा मंदिर सभागार में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को वित्त मंत्री के द्वारा पेश हुए बजट के बाद बुधवार को प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह और महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता व क्षेत्र और महानगर के कार्यकर्ता व पदाधिकारी जटाशंकर स्थित विश्वकर्मा मंदिर सभागार पर इसका लाइव प्रसारण देखा। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि पूरे देश के साथ साथ गोरखपुर क्षेत्र के 62 विधानसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी का लाइव प्रसारण देखा गया। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के बारे में और मंगलवार को पेश हुआ बजट कैसे अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा इसके बारे में लोगों को बताया। देश के विभिन्न हिस्सों में जल की समस्या रहती है, इसको देखते हुए केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री जी ने 44,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए आवंटित किया। केन बेतवा की बात आज़ादी के बाद से चलती रहती थी, लेकिन जैसे कभी भागीरथी जी ने गंगा को जमीन पर लाने का कार्य किया था, उसी प्रकार प्रधानमंत्री ने नदियों को जोड़ने का कार्य प्रारंभ किया। पहले हम लोग लखपति बनने की बात सुना करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने 3 करोड़ गरीबों को आवास देकर उनको लखपति बनाने का कार्य किया। फिर से 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान गरीबों के मकान के लिए किया गया है। देश के सीमावर्ती गांव में जहां सेना के जवान भी रहते हैं और वहां के लोग देश की सुरक्षा में अपनी भागीदारी करते हैं, उन सारे गांव को सारी सुविधाओं से युक्त करने का प्रावधान इस बजट में किया गया। कृषि को कैसे तकनीकी रूप से दक्ष किया जाए, विशेष रूप से नदियों के किनारे प्राकृतिक तरीके से खेती करवा कर नदियों को केमिकल से बचाने का भी प्रावधान किया गया है। विदेशों से जो तेल आयात करना पड़ता है उसको कम करने के लिए और देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए भी उपाय किया गया है। महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है। देश की कृषि को टेक्नोलॉजी आधारित और केमिकल फ्री बनाने के लिए बड़े कदम इस बजट में उठाए गए हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विश्वजीतांशु सिंह आसू, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, महानगर महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा, अच्युतानंद शाही, देवेश श्रीवास्तव, महानगर उपाध्यक्ष ब्रिजेश मणि मिश्रा, दयानंद शर्मा, वीरेंद्र पांडे, रणविजय शाही, पूर्व महापौर सत्या पांडे, नगर विधानसभा प्रभारी विवेकानंद वर्मा, अनुप किशोर अग्रवाल, राधे श्याम रावत, अजय श्रीवास्तव, मनोज अग्रहरी, आदेश अग्रहरी, मंडल अध्यक्ष सिद्धांतो घोष, आनंद अग्रहरी, अजय मणि त्रिपाठी, सत सुकृत अष्टभुजा श्रीवास्तव, रूपेश गुप्ता, अमितेश्वर पांडे, छोटे लाल पासवान, चंद्रपाल सिंह, सूर्य प्रकाश शर्मा, क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा अमित गुप्ता, युवा मोर्चा अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा, कृष्ण कुमार, अजमेर आलम, विनोद दुबे, विक्की कुकरेजा, राजा त्रिपाठी, बच्चा पांडे, नवीन जितेंद्र सैनी, छठी लाल गुप्ता, रितेश सिंह बब्बू, निखिल मोटानी, प्रखर पांडे, अनादि प्रिय पाठक, निलेश पांडे, रमेश चंद गुप्ता, नितिन जायसवाल, राणा चौबे, सचिन गुप्ता, राहुल गिरी, रजत गुप्ता, राम विनय सिंह सहित कार्यकर्ता पीएम मोदी के वर्चुअल संबोधन को लाइव सुने। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, अद्भुत सुविधाएं मिलती हैं तो वो अपनी ऊर्जा अपने विकास देश के विकास में लगाते हैं। किसानों से जोड़ने पर हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन पर काम कर रही है। और ये बात मैंने लाल किले पर से भी कही। के जीवन की महिलाओं के जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और आजादी के 75 साल के बाद भी है। देश में करीब करीब 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचने लगा है और इसमें से पिछले 2 वर्ष में दिए गए हैं। अब बजट में घोषणा की गई है कि इस साल करीब
किसानी से जुड़ा हुआ होता है, खेत के काम से जुड़ा हुआ होता है, उसका समय बचेगा, माताओं बहनों का समय बचेगा, वो कृषि के समय में अपना योगदान दे पाएगी। पहले करीब 40,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया था, अभी 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे इस बजट में। विशेष रूप से तीन बेटवा को लिंक करने के लिए जो हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, उससे यूपी और एमपी जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, हम रानी की झांसी का गर्व करते हैं ना, मैं उस बुंदेलखंड की बात कर रहा हूँ, जिस खाजू राहू की चर्चा करते हैं मैं उस बुंदेलखंड की बात करता हूँ, वहां की तस्वीर बदल जाती है। पानी के अभाव में वहां के किसान के नौजवान बेटे रोजी रोटी के लिए कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु तक जाना पड़ता है। ये केन बेतवा योजना किसान के जीवन में, खेती में तो बदलाव लाएगी लाएगी, किसान के जीवन में बदलाव लाएगी। और इस योजना पर लगभग 44,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मेरे किसान भाइयों बहनों के खेत में पानी पहुंचाने के लिए ये आधुनिक युग का एक भगीरथ है। अब बुंदेलखंड के खेतों में और हरियाली आए, जवान बेटों को शहर में क्योंकि झोपड़ी में रहकर के मजदूरी में जिंदगी गुजारनी पड़ती है, वो खुले आसमान के नीचे अपने माँ बाप के साथ रहकर के एक नई जिंदगी का प्रकरण लिखना शुरू कर सकते हैं। घरों में पर्याप्त पानी आए, खेत में पानी आए। साथियों, गरीब का बहुत बड़ा सपना उसका अपना घर भी होता है। इस साल के बजट गरीबों के लिए 80 लाख पक्के घर बनाने की बात कही गई है और इस पर 48,000 करोड़ रुपए यानी करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। गरीब से मुक्ति का ये भी एक, गरीबी से मुक्ति होनी, गरीब मुक्ति से गरीबी से बाहर आना चाहता, जो घर मिलता है ना उसका एक हौसला बन जाता है। हम कभी गरीबों की ताकत जानते नहीं थे, सिर्फ गरीबों का राजनीतिक उपयोग करने वाले लोग बहुत हुए इस देश में। वो जब घर मिले उसका जीवन कितना बदल जाता है, इसका हम देख करके बता सकते। जो भी उन परिवारों को देखेगा उसका विश्वास बढ़ेगा। और इतना ही नहीं, सरकार जो घर बनाकर इन्हें देती है, वो घर इन गरीबों को एक तरह से लखपति बना। हमारे सुरक्षा बल के जवान जो सीमा पर तैनात है, उनको तो सीमावर्ती जो गांव है ना, वो भी एक प्रकार से किले का काम करते हैं और उन सीमावर्ती गांवों का देशभक्ति का जज्बा भी अद्भुत होता है। अभावों के बीच, संकटों के बीच, मुसीबतों के बीच सीमा पर रहने वाले छोटे 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 गांव के लोग दिन रात देश की रक्षा के लिए सजग रहते हैं। अब समय आ गया है कि हमें हमारी राष्ट्र रक्षा की जो नीतियां हैं उसमें सीमावर्ती गांवों के नागरिकों की शक्ति को पहचानना हो, उनके अहम रोल को जानना हो। और इसलिए हमने ध्यान आकर्षित किया है कि सीमावर्ती जो हमारे अफ्रीकी गांव है हिंदुस्तान के कोने कोने में, उन गांवों को विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहने देना है। इस वजह से हम बरसों से सीमावर्ती गांवों से पलायन होते भी देख रहे हैं। किसी भी देश की रक्षा के लिए यह पहल ठीक नहीं है। इस बात को समझते हुए सीमा पर मौजूद गांवों के विकास के बारे में नए सिरे से सोचा गया, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ
हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे गांवों में हर प्रकार की सुविधा, बिजली हो, पानी हो, सड़क का इंतजाम हो, इसके लिए बजट में विशेष वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। हमारे अनेकों सीमावर्ती गांव टूरिस्ट स्पॉट बन सकते हैं, वहां हम अच्छे प्रकार से होम स्टे का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, जो हमारे लोगों को रोजी रोटी मिले। प्रकृति प्रेमियों के लिए भी ये हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वे आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। और मैंने तो गुजरात में कच्छ में रणोत्सव करके देखा है कि अगर इन आखिरी गांवों को हम ब्राह्मण बना दें तो सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत लाभ होता है। अब हमारा उत्तराखंड देखिए, उसकी सीमा सतपुत्र ऊपर के गांव, हमारा लेह लद्दाख देखिए, हमारा अरुणाचल देखिए, ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन सभी गांवों को बहुत मदद करेगा। देखिए, मुख्य रूप से कल हमारे देश की वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी आज उसी बजट के बारे में, जो हमारा बजट आत्मनिर्भर भारत का बजट है, उस पर आज पूरे देश की जनता को लाइव के प्रसारण के माध्यम से बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में LED लगा करके और इस प्रकार के आयोजन किए हैं। गोरखपुर क्षेत्र के सभी 62 विधानसभा क्षेत्रों में इस प्रकार से LED लगा करके कार्यक्रम चल रहे हैं। हम लोग भी गोरखपुर शहर विधानसभा के इस केंद्र पर माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सब ने सुना है और उन्होंने जो विकास की बात कही है, इस बजट की बात कही है, जो हर क्षेत्रों में उन्होंने किस तरह भारत आत्मनिर्भर हो, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में किसान कैसे आत्मनिर्भर हो, युवा कैसे आत्मनिर्भर हो, हर क्षेत्रों में, जैसे उन्होंने कहा कि केन बेतवा प्रकरण बहुत दिनों से पेंडिंग में था और उन्होंने केन बेतवा पर जो बात बताई कि 44 हज़ार करोड़ का बजट बना करके कभी भगीरथ ने प्रयास करके गंगा जी को धरती पर उतारने का प्रयास किया था और आधुनिक भारत में भी इस प्रकार का एक परिवर्तन, जिस प्रकार से बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की किल्लत होती थी, विशेष रूप से उस बुंदेलखंड क्षेत्र का जिक्र करते हुए मध्य प्रदेश का हिस्सों को जिक्र करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये पानी की समस्या, झांसी की रानी का उन्होंने जिक्र किया, उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर जल के क्षेत्र में बनाने का काम करेंगे। गरीबों के लिए उन्होंने कहा कि इस देश में लोग कहते थे, कभी कभी कहते थे कि कोई लखपति हो गया, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से गरीबों को मकान देने का काम अभी इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है और इन 7 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने देश के 3 करोड़ गरीबों को आवास दे करके उनको लखपति बनाने का काम इस क्षेत्र में किया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी ने का कहना था कि जिस प्रकार से हमारे जवान देश की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहते हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में जो गांव होते हैं वो एक बॉर्डर का काम करते हैं, लेकिन बार बार गोलीबारी के नाते वो पलायन करते हैं, तो विशेषकर इस बजट में प्रावधान किया गया है कि सीमावर्ती क्षेत्र में जो गांव हैं उनको सभी सुविधाओं से युक्त करने का काम इस बजट में प्रावधान किया गया है। पर्वतमाला का उन्होंने जिक्र किया है, देश की कृषि को टेक्नोलॉजी से युक्त करने का उन्होंने जो इस बजट में प्रावधान किया कि केमिकल मुक्त कृषि करने का, और विशेष रूप से जो उन्होंने कहा कि गंगा के किनारे हम एक कॉरिडोर बना करके, नेशनल फार्मिंग का कॉरिडोर बना करके देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम, एक देश के किसानों को इससे प्रेरणा मिलेगी कि वो किस प्रकार से बिना केमिकल के खेती करें, जो जिसकी आज पूरे विश्व में मांग है और उसको बढ़ावा देने के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। खाने के तेल में बड़ी मात्रा में विदेशों से खाने के तेल के लिए भारत का पैसा खर्च होता है और इसलिए इस बजट में विशेष प्रावधान है कि हम खाद्यान्न तेल के क्षेत्र में भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, इसके लिए इस बजट में विशेष प्रावधान। उनके MSP पर भी उन्होंने कहा कि 1.5 लाख करोड़ रुपये के धान की खरीद हुई है और इसलिए MSP के क्षेत्र में भी हम किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस बजट में प्रावधान किए हैं।
और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना जो हर गांव को जोड़ने का काम करती है, पिछले बजट की तुलना में 36% से अधिक बजट को बढ़ा करके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को मजबूती करने का काम इस बजट में प्रावधान किया है। सस्ता और तेज इंटरनेट बहुत जल्द ही उन्होंने कहा है कि हम इस बजट में प्रावधान करके इस देश में सस्ता और इंटरनेट की व्यवस्था हो, गाँव में फाइबर लगा करके प्रत्येक युवा को इस क्षेत्र से जोड़ने का काम उन्होंने किया है। युवाओं के क्षेत्र में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने के क्षेत्र में इस प्रकार से पूरे भारत में हर क्षेत्रों में कैसे भारत आत्मनिर्भर खड़ा हो, भारत कैसे स्वाभिमानी भारत बने, दुनिया में भारत का मस्तक और ऊंचा हो, इन सब क्षेत्रों में बजट के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार के बजट में विशेष व्यवस्था हुई और उसकी उन्होंने चर्चा की है।